देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। आपदा प्रबंधन कार्यशाला का हुआ आयोजन, शासकीय पीजी कॉलेज में एक दिवसीय आपदा प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन हुआ। यह कार्यशाला सिविल डिफेंस वॉलंटियर के तहत आयोजित की गई थी, जिसके तहत कॉलेज स्टूडेंट और शिक्षकों को आपदा के समय आपदा में फंसे लोगों को बचाने के तरीके बताए गए। प्रबंधन के एक प्रशिक्षण प्रोग्राम है, कलेक्टर सत्येंद्र के अनुसार हमें सभी कॉलेजेस में जाने का था। यहाँ पर काफ़ी समय से हम प्रयास कर रहे थे कि हमें वक्त मिले और हम यहाँ के जो हमारे लड़के हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको भी हम इससे अवगत करें। सिविल डिफेंस की एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, जिसके तहत हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना चाहते हैं। और चूँकि यूथ से ही हमारा आगे का ही सारा प्रोग्राम और भविष्य से जुड़ा होता है, तो हम चाहते हैं कि उन्हें जानकारियाँ मिलें। ये छोटी छोटी जानकारियों से ही वो अपने आप को सेव कर पाएंगे और स्वयं को सेव करेंगे, तो हम समाज सभी को सेव करें। रोठियाई के पालिका बाजार से हुई गायब युवती, मामला विगत 13 तारीख का है। युवती के परिजनों का आरोप है कि रोटियाई के थाने में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जब भी वह थाने में मालूम करने जाते हैं तो थानेदार द्वारा उनसे अभद्र भाषा बोली जाती है। इसी को लेकर आज युवती के परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मांग की कि युवती को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। साथ ही 10 दिनों का समय पुलिस प्रशासन को दिया है, अगर इस बीच युवती नहीं मिली तो परिजनों के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। विजयपुर थाना प्रभारी और वहाँ के दीवान जी ने मुझसे बोला था कि अगर इस जगह पे आपकी लड़की गई, इसी जगह पे मोदी की भी लड़की जाती तो मैं इसी तरीके से कार्रवाई करता। अच्छा, हाँ, मुझे दिखाएगा, मैं मेरे हिसाब से कार्रवाई करूँगा, आपके कहने से नहीं करूँगा। कुछ पैसे ही से लेकर तो नहीं छोड़ा उन लोगों? अब पैसे वैसे लग रहा है, कुछ पैसे लिए हैं, 40,000 रुपये लिए हैं थाना प्रभारी। विगत 13 तारीख को रजक समाज की बेटी का अपहरण पालिका बाजार गुना से हुआ है, जो विजयपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। इस मामले में पुलिस की लापरवाही शुरू दिन से देखने को मिल रही है। ना तो पुलिस ठीक तरीके से इस मामले को ले रही है, ना ही गंभीरता दिखाई अभी तक। जांच अधिकारी भी परिजनों को बिठाते हैं, थाने में छोड़ देते हैं। यदि शीघ्र इस मामले में निराकरण नहीं निकला, हमने 10 तारीख का समय दिया है पुलिस को, 10 दिन का समय दिया है पुलिस को, 10 दिन में बच्ची नहीं आई तो उसके बाद उग्र आंदोलन होगा। आरबीएस के कार्यक्रम के अंतर्गत सर्जरी के लिए सहायता राशि स्वीकृत, 2 बच्चों के ऑपरेशन के लिए 13 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत हुई है। आपको बता दें कि ये दोनों ही बच्चे ना सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। लोगों ने आरबीएस के कार्यक्रम के अंतर्गत इन 2 बच्चों को कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए आदेश दिए हैं। ये बच्चे जन्म से ही गूंगे बहरे हैं और सुनते नहीं और बोलते भी नहीं हैं, तो हम लोग आरबीएस के कार्यक्रम के अंतर्गत इन बच्चों का ऑपरेशन निःशुल्क कराते हैं। इनको 6.5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है, दोनों को 6.5 लाख रुपए की। इसके बाद इनका ऑपरेशन होगा, एक का ऑपरेशन ग्वालियर में होना है अग्रवाल इंस्टीट्यूट में और एक का अरविंदो मेडिकल कॉलेज में होना है। इसके बाद एक साल तक इनकी स्पीच थेरेपी चलेगी और इसके बाद ये बच्चे बोलने और सुनने लगेंगे।
हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता निकले साइकिल से वैष्णो देवी की यात्रा पर। आज गुना से 13 युवा माँ वैष्णो देवी एवं बूढ़े अमरनाथ की यात्रा पर निकले, जिन्हें छोड़ने के लिए हिंदू जागरण मंच के सभी कार्यकर्ता हनुमान चौराहे पर एकत्रित हुए। यहाँ एक जुलूस के रूप में साथियों को माला पहनाकर एवं तिलक लगाकर विदा किया गया। बड़े बड़े आदमी कार्यकर्ता माँ वैष्णो देवी की यात्रा हेतु साइकिल से प्रस्थान कर रहे हैं। कार्यकर्ता अमरनाथ माँ वैष्णो देवी के साथ में पूरा अमरनाथ भी गमन करेंगे। हम सभी की यात्रा मंगलमय हो ऐसी कामना करते हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारी युवा वाहिनी के विभाग संयोजक सौरभ जी यादव, हमारे गुना नगर मंत्री गुरुदुमन जी रघुवंशी, तहसील प्रचार प्रसार प्रमुख निखिल रघुवंशी सहित 13 हमारे कार्यकर्ता पूरा अमरनाथ माँ वैष्णो देवी के दर्शन हेतु प्रस्थान कर रहे हैं। लोकतंत्र बचाओ मंच द्वारा किया गया एक बैठक का आयोजन। इस बैठक का मुद्दा था कि भीड़ द्वारा लोगों पर हो रहे हमले, जिसमें अभी हाल ही में स्वामी अग्निवेश के ऊपर हमला शामिल है। इस हमले में स्वामी को कथित लोगों द्वारा मारा गया। आपको बता दें कि स्वामी अग्निवेश की उम्र 80 साल है और वो आर्य समाज का प्रचार करते हैं। देश के लिए घातक है और संसद को उस पर कानून बनाना चाहिए, और संसद जिसे कानून बनाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसका लगभग उप मुखिया राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि इसमें नया क्या है। मॉब लिंचिंग तो होती रही है पहले भी, मतलब पहले यदि कुछ हुआ है गलत तो आज वो सही हो जाएगा। जिन लोगों ने पीट पीट कर किसी की हत्या कारित कर दी, केंद्र के मंत्री और विधायक उनको माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। आज लोकतंत्र बचाओ आंदोलन की ओर से यहाँ एक बैठक का आयोजन किया गया है कि हमारे देश में जिस ढंग से लगातार हमले बढ़ रहे हैं उसके विरोध में ये बैठक आयोजित की गई है। जैसे अभी स्वामी अग्निवेश पर हमला किया गया है, एक 80 साल के बुजुर्ग जो कि हमारे संविधान के अंतर्गत आने वाले सवालों पर वो अपना काम कर रहे हैं। आर्य समाजी हैं, वो हिंदू धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन धर्म के अंदर, धर्म के नाम पर जो लोग पाखंड फैला रहे हैं उसका वो पर्दाफाश कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ लोगों से सहन नहीं हो रहा है, उन पे हमला कर रहे हैं। और ये निंदनीय है, केवल हम लोग नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तक कहा है कि मॉब लिंचिंग बंद होना चाहिए। आज हिंदुस्तान के अंदर भीड़ द्वारा हमला करने की कार्रवाइयाँ लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए गुना का नागरिक समाज, हम लोग मिलकर इसका विरोध करते हैं और उसकी खिलाफत भी। म्याना क्षेत्र से 9 दिन पूर्व गायब हुई युवती का अभी तक नहीं लगा सुराग। युवती के माता पिता की माने तो उसने 3 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ठीक तरीके से कार्य नहीं करती। इसके साथ ही जो रिपोर्ट इन लोगों ने दर्ज कराई है वह भी पुलिस ने अपने मन के माफिक दर्ज करवा दी है। इसके साथ ही पिता ने बताया कि लड़की करीब 1,00,000 रुपए घर से लेकर गई है। हालांकि पिता का आरोप है कि उसकी लड़की का अपहरण हुआ है। अब तो ये पुलिस विवेचना में ही पता चलेगा कि यह घटना अपहरण की है या लड़की अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। बाविश एक प्रोग्राम है तो बा में आए थे, जो ये जो बाबू ब्रजेश पूजा को मोड़ा है, मान बाबू राम बाबू ना वो राम बाबू ने हमें खबर दी दीपक लेकर भागोगे तो राम बाबू हमारे मान मोड़ा खबर दे रहे हो तो माने सरकारी हल कितना हो रहा है। मुझे शक्सी गई थी इनको भी मोड़ा, घर खबर उनको मोड़ा नहीं मिलो। एक जो उमेश है, जो उमेश जाटा पे कुछ बापू मोड़ा रामचरण बाग बेन पे वो तो अभिषेक ने जिसने मिल के और जी कछु मोड़ी कछु खबा भी दवान। मैंने ऐसी तांत्रिक मांत्रिक में बात, पिताजी माने तांत्रिक मांत्रिक है वो वीरवान, बाकी घरवारी भी उल्टी सीधी भगूते भगूते फेंकर थे हमारी सब भाई वहाँ भंडारा था। अब कड़ा सुनना नहीं है रास्ता मोड़े, सो हम बास परेशान, 3 साल परेशान चलना है।
एक मोड़ा मरगा गड़ गया एक मोड़ा मरवा दबान कह कही मर जाओ एक मोड़ी मर गई गड़ गया थी मुझसे कह तेरे मोड़ा भग जाओ वो भग गाओ मोड़ी कही मोड़ी भग गई तो माने जी सब आंतरिक तांत्रिक मैं हम जो विश्वास पूर्व आंतरिक तांत्रिक में उनकी जाँच पड़ताल हो यदि हम गलती में खड़े भले हम जेल जाए बवार हमें डर नहीं करते हाथ ही निकली रात के प्रोग्राम इसकी की रखो तो कि मौके भी नहीं है मैं भी नहीं है तो मैं भी घर से गांव से आओ तो मौका पाक है मोड़ा फिर लाख दस लाख रुपये उठा कर मोदी चल रहा उठा कर मोदी चल रहा आप मोड़ी ले गई अब नहीं उठवा है वो तो रात से महाराज हम उठे तुमको मान तो फिर उठ के पता ही नहीं है सो जरूर गए थे फिर 2 बजे मान देखो तो फिर 2 बजे मान बाबा खाली करो तो हमने बहुत ढूंढा ढाड़ी करी हालांकि ढूंढवे में भी हमें इतना भी तो बहुत देखा था करी फिर मिली ही नहीं फिर मैंने रिपोर्ट कराई थी फिर मैंने नाम जिद रिपोर्ट करी बढ़िया नाम लेके बताया भी नहीं तो फिर मेरे मोड़ा है तो नहीं अरे इंदौर है तो इंदौर से आ रहा हो तो रुपये धर गए तो सही गाड़ी ले गई वो 90,000 रुपये भी दे गए थे आम खीरी बारे और 15,000 रुपये मोटरसाइकिल बेची थी हमारी सो ऐसे 1,10,000 रुपये करके बहुत धर गया धर गया फिर रुपये उपये नहीं कुल उड़ते तो मैं तो मोड़िए फिर अलग सही बात रुपया तो ऐसी कोई कीमत नहीं है अपनी तो फिर रुपये से मैं थाने में आओ थाने में आने के बनने फिर लिखले का फोटो जाओ अब आज अब तक माने बनकर जा सकते जो कह रहे थे अब ढूंढ रहे हैं तो आपकी रिपोर्ट नहीं मिली अभी रिपोर्ट नहीं दी अभी तक अरे FIR नहीं पता भी जानते नहीं FIR तो पागल दे रहे थे फिर ऑनलाइन किसी से तो FIR में फायर सॉल्व करते हैं समझा भी गौतम होनी फिर भी मेरे को तो वह कागज भी है लड़के 10 तारीख माने 12 से 10 तारीख सातों महीना जेल में गई और माने आज 9 दिन हो गए तो अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी अब कोई कार्रवाई नहीं करी बार नहीं भी मैं गाँव तो दूर फिर के फिर मैंने संजय टेम FIR के और ढूंढू माने मिल जाते था देख लो उस बार ने बहुत जोर से 5 वर्ष रहा तुम मैं भेज गया तो ठाड़ो भी रहो तो ठाड़ो होकर फिर भगया तो फिर देखा था करने लगो फिर वो दुबान ना वो पंडा का प्रोग्राम है तो ना वो पहले से धमकी भी दे रहा हो तो कि दादा बुलवाऊंगा तेरे से मैं ऐसी ऐसी वारदात करवाऊंगा तो भी वारदात पूरी हो गई कहा कि पाल हुआ अभी से वो केस चला ही रहा हो तो धमकी भी दे के आओ दुबान ना हमारी 7 महीना में 8 तारीख है अब एक 8 तारीख लगी दुबान धमकी भी रही थी कोर्ट में जाकर मेरी नातनी भी है थी 5-6 साल की है नातनी है नातनी के सामने माने मैंने कहा कि चलो बस माने आन के राजनामा ना करेगी तो अब तो निपटा नहीं पड़ेगी तो माना हालांकि निपटा ही रही तू रहेगी नहीं बयान दे तो केस की बदल तो मेन मुख्य जाम पालू है कितनी तारीख को भगिए थे जी अपनी 10 तारीख को भगिए 10 तारीख को आज 9 दिन हो गए अच्छा इसमें किस पे शक है आपको शक नहीं वो तो पालू उनके बाद गम्मत है तीस गम्मत में जी मोड़ा बुलाए थे मोड़ा आए थे भाई के सुख थे नहीं तो पालू उनके वो वीरवान यादव है वो तेरे गम्मत है तो भाई में से ही गम्मत में से फिर मान मोड़ी को फिर मोटरसाइकिल ले ले सब लोग भाग गए वहाँ से फिर ढूंढते रहो फिर कोई नहीं जाओ म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट दीनदयाल रसोई में पहुंचे आज मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष यहां उन्होंने 5 रुपए में मिलने वाली थाली को देखा साथ ही 5 रुपए की रसीद कटवाकर भोजन भी किया साथ ही उन्होंने भोजन व्यवस्था को अच्छा बताया और कहा कि 5 रुपए में इससे अच्छा भोजन नहीं मिल सकता ई अटेंडेंस के खिलाफ लामबंद हुआ संयुक्त मोर्चा
आज इसी संदर्भ में संयुक्त मोर्चे ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटेंडेंस बंद करने की घोषणा तो की, उतनी ही जल्दी बंद भी किया। साथ ही संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रशासन पर पकड़ बहुत ही कमजोर हो गई है, जिसके चलते वे घोषणावीर मुख्यमंत्री ही रह गए हैं। इसके साथ ही प्रशासन को अवगत कराया कि यदि जल्द ही इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इसके बाद वह क्रमिक आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। शिक्षा विभाग में कार्यरत कमल सांपले की उपस्थिति ई अटेंडेंस एम शिक्षा एप के द्वारा जिला अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के बैनर तले जो ज्ञापन दिया गया है, ये ज्ञापन हमारा प्रारंभिक चरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इसको स्थगित करने के लिए और हरगिज चालू नहीं करने देने वाली बात करते हैं, लेकिन उनकी प्रशासन पर पकड़ ढीली हो गई है। इससे ये प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री जी केवल घोषणाएं कर रहे हैं और उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और ना के बराबर हो रहा है। हम चाहते हैं कि उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो और इसको अविलंब बंद करें, और अगर बंद नहीं करते हैं तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे कि शासन की नाक में दम हो जाएगी। बढ़ती गंदगी और अस्वच्छ वातावरण के लिए एंदवाड़ा ग्राम में आधा सैकड़ा से अधिक लोग बीमार। बताया जा रहा है कि ग्राम में गंदगी फैली हुई है, जिसके चलते कई बच्चे और बुजुर्ग उल्टी और दस्त की चपेट में आ गए हैं। एंदवाड़ा अकेला ऐसा क्षेत्र है जहां इतने सारे लोग एक साथ बीमार हुए। इसके आसपास के क्षेत्रों में भी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने मोर्चा संभालते हुए अपनी टीम को रवाना कर दिया है एवं लोगों का इलाज भी शुरू कर दिया है, लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी लोगों की हालत में कोई सुधार होता नजर नहीं आता। पानी भर रहा जगह जगह, जागर से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। डीजियाना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।